हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न इंग्लिश क्वेश्चंस एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस वीडियो क्लास को। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस इस समय पूछे जा रहे हैं एसबीआई क्लर्क और बैंक पीओ एग्जाम्स में। तो ये स्पॉटिंग एरर ही है, लेकिन स्पॉटिंग एरर को अलग टाइप से पूछा गया है, इसमें ट्विस्ट करके पूछा गया है। और यहाँ पर ये डायरेक्शंस दिए गए हैं। देखिए, बैंकिंग एग्ज़ाम में या किसी दूसरे एग्ज़ाम में ये डायरेक्शंस जो दिए रहते हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर एक पूरे एक सेंटेंस दिया है और पाँच पार्ट में ये डिवाइड है, ई तक आप देख सकते हैं, ये पाँच पार्ट में डिवाइड है। और जो पार्ट ग्रामेटिकली रॉन्ग है, उस पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है, और उस पार्ट को हटा के जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपका आंसर होगा। सपोज़ बी पार्ट में एरर है आपका, तो बी के बिना जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे ये है ए सी डी ही, वो आपका इसमें आंसर होगा। यानी जो एरर वाला जो पार्ट है उसको आपको हटा के कॉम्बिनेशन बनाना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, टाइम मैगजीन डेडिकेटेड इट्स पर्सन ऑफ द ईयर कवर टू वीमेन हु ब्रोक द साइलेंस सराउंडिंग द परवेसिवनेस ऑफ सेक्सुअली हरासमेंट एंड वायलेंस स्पेशली इन द वर्क प्लेस। अब इस पूरे सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ें तो आपको इसमें एरर पता पड़ सकती है। टाइम मैगजीन डेडिकेटेड, देखिए यहाँ तक इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, तो ये पार्ट आपका आंसर नहीं हो सकता। आपको गलती वाला जो पार्ट है जिसमें एरर है वो देखना है, ठीक है। टाइम मैगजीन के लिए यहाँ पर इट्स आया है, इट्स पर्सन ऑफ द ईयर, तो ये सही है, यहाँ पर भी इसमें कोई गलत नहीं है, ये सही है। कवर टू विमेन, औरतों के बारे में विमेन लिखा है, जो सही है। हु ब्रोक द साइलेंस सराउंडिंग, यहाँ तक ये सही है, ठीक है। टाइम मैगजीन डेडिकेटेड इट्स पर्सन ऑफ द ईयर कवर टू विमेन, मतलब टाइम मैगजीन ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर जो अवार्ड दिया वो ऐसी महिलाओं को दिया जिन्होंने उस साइलेंस को तोड़ा जो सराउंड करती हैं किसको, सराउंडिंग द परवेसिवनेस ऑफ, परवेसिवनेस मतलब जो फैला हुआ है, जो सब तरफ फैला हुआ है, परवेसिवनेस ऑफ सेक्सुअली हरासमेंट, ऐसा हरासमेंट जो बाय नेचर सेक्सुअल है, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए सेक्सुअली हरासमेंट कहना यहाँ गलत होगा। ये जो वर्ड है यहाँ पर सेक्सुअली हरासमेंट, ये गलत होगा, और सही वर्ड होगा सेक्सुअल हरासमेंट, यानी डी पार्ट जो है इसमें ये गलत है, स्पेशली इन द वर्क प्लेस, ये पार्ट इसमें आपका ई पार्ट जो है ये सही है, तो इसमें डी पार्ट आपका गलती है। अब आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें डी ना हो, ठीक है, वो आपका आंसर होगा। डी इसमें है, डी इसमें है, डी इसमें है, डी इसमें नहीं है, यानी आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा डी, क्योंकि ए बी सी ई डजंट हैव एनी डी एंड डी इज द इरोनियस पार्ट। तो आपको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, व्हाट मैटर टू देम। अब देखिए यहाँ पर यदि आप ध्यान से पढ़ें तो ये पास्ट में बात चल रही है, व्हाट मैटर टू देम, ठीक है, उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता था, वो चीज़ क्या थी। व्हाट मैटर टू देम, यहाँ पर भी वॉज लगा हुआ है तो ये भी सही है। वॉज दैट लेनिन हैड इंस्पायर्ड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट इन दैट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विच, अब देखिए यहाँ पर ये गलत है, जब पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो यहाँ पर भी ये हैव की जगह हैड होना चाहिए, ठीक है, यानी इसमें हैव जो है ये ई पार्ट का हिस्सा है, ठीक है, तो ई पार्ट के बिना जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट विल बी योर आंसर। तो इसमें देखिए ई इसमें है, ई इसमें है, ई इसमें है, इन तीनों पार्ट में ई है, ए बी सी डी, ए में ई नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर होगा इसमें ए। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को करना है। और ये नए पैटर्न के जो सेंटेंसेस हैं ये मैं अपने ई कोर्स में काफ़ी सारी क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की इस समय करा रहा हूँ, और ये हमारे ई कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं स्टूडेंट्स के बीच में। इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं बैंक पीओ के लिए, क्लर्क के लिए और एसएससी के लिए, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात भी कर सकते हैं 9893719933 पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्यूटी ऑफ व्हाट घोष डिस्कवर्स is that these villagers have been following such sane ecological practices for many decades without any help from the state and well beyond the gaze of the media. मतलब इसमें एक व्यक्ति ने कुछ डिस्कवर किया है और उसकी हम बात कर रहे हैं,
तो देखिए, यदि आप कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं तो आप उसकी डिस्कवरी करने के बाद कोई उस डिस्कवरी के बारे में कुछ बोलेगा, पहले आप डिस्कवर उसको कर चुके होंगे, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर द ब्यूटी ऑफ वॉट घोष डिस्कवर्ड इज, मतलब डॉक्टर घोष ने या घोष ने जो भी डिस्कवर्ड किया है उसको आप बाद में बोलेंगे, पहले वो डिस्कवर करेगा। यानी ये डिस्कवरी का जो पार्ट है ये पास्ट में होना चाहिए, ये डिस्कवर्स नहीं होना चाहिए, ये पास्ट में होना चाहिए, ठीक है? या इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी आप बोल सकते हैं, द ब्यूटी ऑफ वॉट वॉट घोष हैज़ डिस्कवर्ड, या डिस्कवर्ड इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। तो ये डिस्कवर्स जो पार्ट है ये आपका रॉन्ग पार्ट है। सो हेयर योर आंसर इज ए, बिकॉज दिस डिस्कवर्स लाइज इन पार्ट ए। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन दैट डजेंट हैव ए। तो ए इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें, ए इसमें नहीं है, बी में ए नहीं है। सो योर आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टुडेज अप्लाइंसेस कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, इंटरैक्ट विथ पीपल। यहीं पर गलती है इसमें, चूंकि यहाँ पर हम कम्युनिकेट बोल रहे हैं तो कॉमा के बाद हम कई सारे फ्रेजेज जो लगाएंगे वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सेम तरीके से हम बोलेंगे। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इंटरैक्ट विथ पीपल एंड इवन टू ए डिग्री एक्ट आउट। देखिए यहाँ पर भी इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगी है, यहाँ पर देखिए इसमें फर्स्ट फॉर्म लगी है एक्ट आउट, और यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म लगी है इसमें कम्युनिकेट, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर भी इसमें इंटरेक्टेड नहीं होगा, इंटरैक्ट होगा यहाँ पर। और ये किसका पार्ट है, ये बी पार्ट में आपकी गलती है। तो इसलिए बी के बिना जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी योर आंसर। तो बी इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें है, इसमें बी नहीं है, तो आपका आंसर होगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आ फ्यू थाउजेंड सेंसर्स सिस्टमेटिकली प्लेस्ड। आ फ्यू यहाँ पर बिल्कुल सही है, सेंसर्स चूंकि प्लूरल है तो इसके लिए हम फ्यू नहीं बोलेंगे, ए फ्यू बोलेंगे, जो कि सही है, और काउंटेबल के लिए ए फ्यू हम लगाते हैं। आ फ्यू थाउजेंड सेंसर सिस्टमेटिकली प्लेस्ड, ऐसे फ्यू थाउजेंड सेंसर जिनको सिस्टमेटिकली प्लेस किया जा चुका है। सिस्टमेटिकली प्लेस्ड ऑल अराउंड द सिटी माइट एक्यूरेटली ट्रैक, एक्यूरेटली माइट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ट्रैक, और ट्रैक से पहले इसमें एक एडवर्ब लगा हुआ है, माइट एक्यूरेटली ट्रैक ट्रैफिक रूल वायलेशंस, मॉब वायलेंस और अदर इरेगुलरिटीज। तो इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए, इसमें कहीं भी कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, और इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, ठीक है? लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6। अ लॉट ऑफ आर पर्सनल एंड लाइफ स्टाइल डेटा आर शेयर्ड। डेटा प्लूरल है तो उसके बाद आर लगा हुआ है। आर लॉट ऑफ सही है, आर पर्सनल एंड लाइफ स्टाइल डेटा सही है, आर सही है, आर शेयर्ड प्रेजेंट, इसको फ्यूचर, इसको हम पैसिव वॉइस में बोल रहे हैं, इसको शेयर किया जाता है। ए लॉट ऑफ आर पर्सनल एंड लाइफ स्टाइल डेटा आर शेयर्ड, ठीक है, थ्रू स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स एंड वी डू नॉट इवन अंडरस्टैंड दैट योर ब्रेकफास्ट टाइम, टीवी वॉचिंग शेड्यूल एंड इवन व्हेन योर हाउस रिमेन्स होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि हम पूरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जब पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आर लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में होना चाहिए, रिमेन्स होना चाहिए यहाँ पर। ये रिमेन्ड का मतलब तो पास्ट टेंस हो जाएगा, तो इसलिए सी पार्ट में इसमें गलती है। सी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा बी, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अराइवल ऑफ ए न्यू टॉय बज लाइट ईयर क्रिएट्स, क्रिएट सही है यहाँ पर, क्योंकि हम बज लाइट ईयर जो है सिंगुलर है इसके लिए बात कर रहे हैं। क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बिटवीन द ओल्डर टॉयज़। यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग गलत है, क्योंकि ओल्डर टॉयज़ जो हैं, जो पुराने खिलौने हैं, वो दो नहीं है संख्या में, वो दो से ज़्यादा ही होंगे, कई सारे होंगे वो, तो इसलिए बिटवीन कहना पूरी तरीके से यहाँ पर गलत होगा, ठीक है? हम ये नहीं कह सकते कि जो ओल्डर टॉयज़ हैं, जो पुराने खिलौने हैं, उनकी संख्या केवल दो है, उनकी संख्या दो से ज़्यादा ही होगी, इसलिए बी पार्ट में इसमें गलती है, और बी 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 आपका आंसर होगा ए, क्योंकि इसमें बी नहीं है, ए सी डी ई, ठीक है? ये एक नया पैटर्न है।
और बैंकिंग एग्जाम्स में जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं उसके उसकी आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, नए पैटर्न की क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दिन पर दिन जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स होंगे, चाहे वो क्लर्क लेवल के हों, बैंक पीओ के हों, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ के हों, उन सभी में आपको एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा। और यदि आपके फैक्ट्स और आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो पैटर्न कैसा भी हो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंगलुरुज एरियल मिशन टू प्रोड्यूस आ थ्री डायमेंशनल मैप ऑफ रूफ टॉप सोलर पावर पोटेंशियल यूजिंग लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग डेटा कैन कैन गिविन गिविन गलत है इसमें, ठीक है। कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर, कैन गिव, यानी ई पार्ट आपका गलत है, ठीक है। तो ई पार्ट के बिना आपका कौन सा है इसमें, आपका है ए, ए इसमें आपका सही आंसर होगा। नाइन्थ हम देखते हैं। रिपीटिंग ओरिएंटेशन इज नीडेड मेकिंग द कार गिवर्स रोल इम्पोर्टेंट, द रिस्क ऑफ फॉल्स इज हाई। यहाँ पर क्या गलती है, आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें। ओरिएंटेशन जो है, ओरिएंटेशन का हम टाइप बता रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। वी आर टॉकिंग अबाउट अ री ओरिएंटेशन दैट इज रिपीटेड, दैट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ओके। सो दैट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन इज कॉल्ड रिपीटेड ओरिएंटेशन, नॉट रिपीटिंग ओरिएंटेशन। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया है, जबकि स्टेट बताने के लिए, किसी नाउन की स्टेट को बताने के लिए, किसी नाउन का एक्शन नहीं, किसी नाउन की स्टेट को बताने के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर रिपीटिंग की जगह रिपीटेड वर्ड कहना आपके लिए सही होगा। और इसमें आपका आंसर होगा जिसमें ए नहीं है, ए इसमें है, ए इसमें है और ए इसमें है, बी सी डी ई आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स फ्यू स्मॉल ग्रुप्स, इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें आपको गलती शुरू में ही मिल जाएगी। इसमें गलती है, चूंकि स्मॉल ग्रुप्स काउंटेबल नाउन है और नंबर में एक से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर हम फ्यू नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे ए फ्यू, क्योंकि ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, ठीक है। तो बी इसमें गलती होगी आपकी और आपका आंसर होगा इसमें बी, ठीक है। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना है। मुझे उम्मीद है ये सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। इस तरह के नए क्वेश्चंस इस समय बैंकिंग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और यदि आप किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा ई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश का पूरा कंटेंट प्री और मेंस के लिए, जीके का पूरा कंटेंट प्री और मेंस के लिए, और सारे पीडीएफ और सारे ई बुक्स, पीडीएफ और ई बुक्स उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाते हैं। जितने भी ई बुक्स आपको मिलेंगी और जितने भी पीडीएफ हमारे बनते हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें मिलते हैं, और उसमें जीके का कंटेंट और करंट अफेयर्स का कंटेंट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है, केवल इंग्लिश का फीस उसमें चार्ज किया जाता है ई कोर्सेज में। तो इन सभी ई कोर्सेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से इसको डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग मुझसे आप बात कर सकते हैं 9893719933 पर। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।